भाई तगड़े वाला फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देख रहे हो, तगड़े वाला फ्रॉड हुआ है। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम आने वाली है, और आप बच सकते हो स्कैम और फ्रॉड से, मतलब आपका अकाउंट खाली होने से बच सकता है। ठीक है भाई, मेरे साथ होते होते बच गया है, इसलिए मैं ये अर्जेंटली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो ये टाइम चल ही रहा है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो फ्रॉड ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा सबको सबको सब लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें और इतने बड़े फ्रॉड से बचें। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखना, कहीं आप भी इस चीज़ का शिकार ना हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा इस वीडियो को देखना। हेलो गाइस, ये वाली वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो स्कैम मेरे साथ होने वाला था और मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ ना हो, तो इसलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो गाइस, एक्चुअली क्या है कि मैं एक स्कैम में फंसने वाला था, तो सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जिसके मेरी वीडियो देख के शायद आप लोग भी बच सकें। तो एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है बड़ी धमाकेदार, ठीक है। और कल रात को मेरे को एक मतलब वीडियो आई कि जो आजकल ये चल रहा है ना, फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे एक ऑफ़र चल रहे हैं कि भाई आपको इतना मिल जाएगा और आपके पास टाइम इतना बचा है बुकिंग के लिए, जैसे 25 मिनट 30 मिनट का दिखाते हैं। तो भाई मैं कल रात को ऐसी वीडियो ड्रैग कर रहा था कि देख रहा था, तो उसमें लिखा था कि सोनी के एयरबड मिल रहे हैं 99 रुपीज़ के, तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ उस चीज़ का। तो मेरे को क्या, मैंने लगा कहीं ये डील मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो मैंने फटाफट उस पर क्लिक करा और डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड का डिटेल सब डाल डूल के मैंने उसको ऑर्डर करने की कोशिश करी। उसका OTP भी आया, मैंने OTP भी डाल दिया, थोड़ा लेट हो गया था, शायद किस्मत मेरा साथ दे रही थी। तो मैंने OTP डाला तो उसमें आ गया OTP एक्सपायर और रीसेंड OTP, मैं रीसेंड कर दिया तो दूसरा OTP आया, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद भाई साहब, एक कूपन भी था मेरे पास डिस्काउंट का, जो 99 में से 15 रुपये और कम होके थोड़ा लेस हो गया, तो मैंने लगा यार इतना सस्ता मिल रहा है, तो मैंने क्या काम किया, फटाफट OTP डाल के ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो उसके बाद मेरे को ट्रांजेक्शन का मैसेज आया, तभी के तभी क्या आया कि मेरे क्रेडिट कार्ड से 9,225 रुपये का अमाउंट डिडक्ट होने मतलब हुआ है, और ये तुम्हारी तरफ से हुआ है और हमने इसको डिक्लाइन कर दिया है। तो मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, क्या मैसेज था वो भाई। तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस चीज़ को लेके आज बच गया, नहीं तो मतलब कहानी ख़राब होने वाली थी। डियर कार्ड होल्डर, ट्रांजेक्शन ऑफ ₹9,225.57 ऑन योर SBI क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 3597 फ्री रिचार्ज पेमेंट टेक्नो। ये पता नहीं कौन सा गेटवे है जिसके थ्रू मेरे पेमेंट कटने वाली थी, ठीक है। तो भगवान की दुआ से मतलब मैंने क्या काम किया है, ये देख लो आप अच्छी तरह से, और इसके चक्कर में मेरा ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, ठीक है। ये कल रात की बात है। तो भाई एक अच्छी चीज़ ये लगी, और प्लस अपना सावधानी से आप ये काम कर सकते हैं कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो भाई एक तो कॉन्टैक्टलेस जो अपनी पेमेंट होती है वो डिसेबल कर दें, या फिर उसकी कुछ लिमिट सेट कर दें कि अगर कोई मतलब हमारा यूज़ करना चाहता है तो वो इतनी ही कर सके, इससे ज़्यादा हमारे साथ फ्रॉड ना कर सके। तो भाई मैंने अराउंड 2,000 की लगा रखी थी और ट्रांजेक्शन अमाउंट आ गया था 9,500 तक का, तो इसलिए कंपनी ने मतलब SBI ने इस चीज़ को डिक्लाइन कर दिया अमाउंट को। और प्लस क्या हुआ कि मेरा उसमें मैसेज आया कि सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है आपके अकाउंट के साथ, इसके चक्कर में हम आपका अकाउंट मतलब क्रेडिट कार्ड मतलब ब्लॉक कर रहे हैं टेम्परेरी। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ लगी। फिर उसके बाद मैंने अपने ऐप में जाके उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, ताकि इन फ्यूचर मैं सेफ रहूँ, ठीक है, और रीइशू करवा दिया न्यू। तो भाई मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी जो ये फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, इसको सोच समझ के क्लिक करना, कोई भी लिंक ऐसा ओपन मत करना जिसके थ्रू आप गलत गेटवे पे चले जाओ, पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आपकी पेमेंट आराम से जा सकती है। और मैंने जब उस कंपनी से बात करी तो वो कह रहे थे आपका कोई हैकर था जो आपसे ये मतलब ट्रांजेक्शन करवा रहा था। भाई बाल बाल बच गया, तो कहीं ना कहीं भगवान ने मेरा साथ दिया, नहीं तो पता नहीं कल क्या से क्या हो जाता। तो कल रात मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह उठ के मैंने अपने दोस्त से बात करी SBI के अंदर, तो वो कह रहा कोई हैकर था जो आपके अकाउंट फिनिश करने वाला था। तो भाई अभी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं तो सोच समझ के करना, अपना OTP कहते हैं ना किसी को शेयर मत करना, तो भाई बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। मैंने सुबह देखा उस चीज़ को तो उसमें कुछ और पता, लोगों अच्छी तरह यूज़ कर रखा था उन्होंने अमेज़ोन का। भाई मेरे को लगा अमेज़ोन तो कभी वो फ्रॉड हो ही नहीं सकती,
तो भाई बच गया मैं बाल बाल, इतनी हैवी ट्रांजेक्शन, मतलब मेरे लिए तो मतलब 99 और कहाँ 9,000 रुपये, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो भाई बच गया मैं कल रात को, नहीं तो पूरी रात मेरी ख़राब हो जाती। तो भाई आप लोगों से यही मतलब उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा सावधान रहना, और मतलब कोई ऑफ़र आता है इतना डाउन तो सोच समझ के उस पर क्लिक करना, जैसे मैंने कर दिया था भाई। और पता है वो टाइम पीरियड भी देते हैं कि आपके पास आधा घंटा है, 25 मिनट है इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, तो प्लीज़ जल्दी करें, नहीं तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लालच में ना फटाफट बंदा ऑर्डर कर देता है। मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ आपको। पहले तो भाई ये वाला मैसेज जो मेरे अकाउंट से रिलेटेड आया था, ये देखो आप, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन जो मेरे अकाउंट के साथ छेड़खानी हुई है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा फिर मैंने इसको रीइशू के लिए डाला, ठीक है, और वो वाला पुराने वाले को परमानेंटली ब्लॉक करा। और सबसे पहले जो गड़बड़ी हुई थी मेरी इसके साथ हुई थी, देखो इस कहाँ से लग रहा है कि ये फ्रॉड हो सकता है। वो तो जब मेरा पेमेंट गेटवे पे गया तो ये दिवाली इलेक्ट्रॉनिक डील्स पे आया, तो भाई मेरे को लगा अमेज़ोन का कोई ऑफ़र है, 99 प्लस 15 रुपये और डिस्काउंट होके SBI का फलाना ढमकाना करके मैंने ये शॉप कर लिया। तो भाई मतलब मेरे को ये लगा कि ये बोल्ट का था, और मैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहा था वो सोनी के दिखा रहा था मेरे को एयरबड। भाई ध्यान रखो इस चीज़ का, और जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं। और ऐसी चीज़ों के लिए तो भाई मैं मोस्टली कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वालों की ये एक ऑप्शन मेरे को अच्छा लगा। नहीं तो डेबिट कार्ड यूज़ करते तो उसमें मिनट नहीं लगता, हो सकता है 9,000 की जगह आपका 50,000 भी जा सकते थे 99 चक्कर में। तो भाई ध्यान रखना इस चीज़ का यार, अब दिवाली पास आ रही है, तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग अभी नहीं करने वाला बिल्कुल भी, मैं वैसे करता ही नहीं, मैं फिज़िकली स्टोर पे जाके जो आइटम लेना है वो ले लेता हूँ। बाकी जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो हल्का फुल्का ही यूज़ करता हूँ, और क्रेडिट लिमिट मैंने लगा रखी है कि ऑनलाइन मैं इतने परचेज़ कर सकता हूँ, इतने तक का अमाउंट खर्च कर सकता हूँ। तो भाई आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो अब मेरे ब्लॉग देख रहे हो, कंटेंट चेंज हो रहा है, फैमिली कंटेंट हो रहा है, और उसके बाद मैं ट्रिप मारता हूँ तो बहुत कम मार पाता हूँ, राइडिंग मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, बस अभी यहाँ से ऑफिस, ऑफिस से घर, भाई इतनी मेरी राइडिंग चल रही है। तो भाई थोड़ा सा मतलब फनी के चक्कर में मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बना दूँ, ताकि आप भी ध्यान रखना। तो भाई बहुत ज़्यादा फूट फूट के कदम रखना है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के लिए, ठीक है। मतलब अमेज़ोन फ्लिपकार्ट मतलब जो पोर्टल हैं वो अच्छे हैं अपनी तरफ की, अपने साइड से मतलब अच्छे हैं, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन भाई साहब ये जो हैकर्स हैं ना, इनका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों के अंदर, जो आपकी ट्रांजेक्शन मिनट से पहले उड़ा देंगे और आपका अकाउंट खलास, ठीक है। तो भाई होप करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इसको, तो भाई ज़रूर शेयर कर दें ताकि और लोग बच सकें जो और ट्रांजेक्शन मतलब और मतलब आइटम परचेस करते हैं बड़े बड़े अमाउंट में, ठीक है। तो भाई उस उनके लिए बहुत खास वीडियो है ये, ठीक है। चलो मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।